हेलो स्टूडेंट्स, फुल एजुकेशन सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के वीडियोस आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं एमकॉम स्टूडेंट्स की। जो भी एमकॉम के स्टूडेंट है, जो सेम टू देने जा रहे हैं, उनके लिए आज का ये लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। बिकॉज की ये जो बुक है मनन प्रकाशन की, तो इस बुक में आप लोग देख रहे होंगे, ये मनन प्रकाशन की बुक है। ओके, तो इस बुक में ई कॉमर्स की बुक है आप लोगों का। तो गाइस, ये फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव है, जो कि फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव विद आंसर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आंसर फिलअप्स है यहाँ पे आप लोगों को कि इंटरनेट वॉज फर्स्ट नोन हैज, पहली बार तो इंटरनेट को अर्पानेट कहा गया था। फर्स्ट वो इंटरनेट वॉज फर्स्ट नोन हैज अर्पानेट, क्या बोला गया? अर्पानेट, पहले इंटरनेट को क्या कहा गया? अर्पानेट। ओके, देन शॉपिंग, शॉपिंग कार्ट, ये एक ट्रॉली ऑफ शॉपिंग मॉल है। शॉपिंग कार्ट इज लाइक अ ट्रॉली ऑफ शॉपिंग मॉल। देन थर्ड इज रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक करेंसी दैट एग्जिट इन साइबर स्पेस, तो कौन सी करेंसी है? तो डिजिटल कैश है। अंडर द डैश ई कॉमर्स बिजनेस फर्म सेल डायरेक्टली कंज्यूमर बिजनेस टू कंज्यूमर। डैश इज द लेटेंसी बिटवीन इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस लीड टाइम। नेट मार्केट प्लेस इज ऑल्सो रेफर टू हैज हब। इन डैश वर्ल्ड वाइड वेब वॉज क्रिएटेड 1990s। नेटस्केप लॉन्चेस द फर्स्ट वाइडली यूज वेब ब्राउजर नेविगेटर। इन 1998 डैश वॉज फाउंडेड टू फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट पेपल। इन 1995 डैश स्टार्टेड एमेजॉन जेफ बेजोस। जी हाँ, जेफ बेजोस ने ही 1995 में एमेजॉन लाया था। अब ये तो था हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप के। देन आता है ट्रू एंड फॉल्स। नेविगेटर वॉज फर्स्ट वाइडली यूज वेब ब्राउजर लॉन्च इन 1994। इट्स ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू। ओके, इट्स राइट आंसर इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अ पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट रजिस्टर ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट। ट्रू। EDI facilitate recurrent trade transaction between business organization. True. Audience tracking is tool to analyze customer access of online shopping sites. Okay, तो ये भी true होगा। E-commerce business provide convenience to online shoppers. True. Third party logistic help to manage high volume of order. True. In 1995 India witnessed the launch of internet. False. बिकॉज की इंटरनेट कभी लॉन्च किया था? सॉरी गाइज, यहाँ पे आपका आएगा इन 1985 इंडिया विटनेस द लॉन्चेस ऑफ इंटरनेट, तो ट्रू है, ट्रू है ये। एंड EDI फैसिलिटेट ट्रांजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये भी ट्रू है। देन आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है, इन इंडिया ई कॉमर्स इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस ओवर $100 बिलियन इन 2020, तो नहीं, ये 200 बिलियन है, इसलिए ये रॉन्ग है। एंड ई कॉमर्स फैसिलिटेट ऑडियंस साइजिंग। ट्रू। तो ये था आपका ट्रू फॉल्स, जिसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। देन नेक्स्ट आते हैं जो कि है मैच द कॉलम। यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी माइकल एल्ड्रिज जो थे, ये एक इन्वेंशन ऑफ टेले शॉपिंग थे, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कहते हैं। मिनीटेल, मिनीटेल ये एक वीडियो टेक्स्ट ऑनलाइन सर्विस रहता है। अमेजॉन फाउंडर कौन थे? जेफ बेजोस थे। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यहाँ पे OLX.com आएगा। देन बिजनेस टू कंज्यूमर, अमेजॉन आएगा। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव आंसर। आई होप कि आपको इस आंसर से बेनिफिट हुआ रहेगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस तरीके के बेनिफिट्स वो भी उठा पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।